हेलो फ्रेंड्स आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी सो so, इस वीडियो में हम लोग करेंगे ए सी एफ जोलॉजी के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलो स्टार्ट करते हैं ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल था तो हिंदी में मत बोलना प्लीज़ सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्वा प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ गैस्ट्रोपोडा इज सो so, गेस्ट्रोपोडा का जो लार्वा है वो है वेलिगल लार्वा देखो ये इसका सेकेंड लार्वा होता है गेस्ट्रोपोडा का देन जो लोचिरीम जो है ये लार्वल स्टेज ऑफ फ्रेश वाटर मसल्स का ठीक है और ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये मरीन एनालिड्स एंड मोलस्क में पाया जाता है और प्लेन्यूलर लार्वा जो है वो निडेरियंस का लार्वा है नेक्स्ट है ग्लास रोप स्पंज जो है वो किसे कहते हैं हम तो ये हाइलोनीवा जो है इसको ग्लास रोप स्पंज किया कहा जाता है और यू प्लेक्टेला को कहा जाता है वीनस फ्लार बास्केट नेक्स्ट विश वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैश इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैश्ड है देखो ग्रीन ग्लैंड जो है वो पैलीमॉन कार्सिनस बिल्कुल सही है ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ये कोलेट्रल ऑर्गन्स जो है वो कॉकरोच में पाए जाते हैं और बॉम्बिक्स मोराई में कोई पॉइजन गलैंड नहीं होते नेक्स्ट है पैनिट्रेंट वॉलवेंट एंड ग्लूटेंट आर टाइप्स ऑफ तो ये जो है तीनों किसके टाइप है जो हाइड्रा के निमेटो है उसके ये टाइप होते हैं ये तीनों नेक्स्ट है क्वारेंटेन क्वारटेन मलेरिया जो है मेन में वो किससे होता है सो so, ये जो मलेरिया है देखो प्लाज्मोडियम की जो है चार स्पीशीज होती है चार टाइप है वाइवेक्स फेल्सिपेरम ओवेल एन मलेरिया इन सबसे जो है अलग अलग तरह का जो है मलेरिया होता है सो so, ये वाला जो है क्वारंटेन मलेरिया ये प्लाज्मोडियम मलेरिया से जो है होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडल्ट वुचरेरिया बॉन जो है वो किस में रहती है देखो जो वुचरेरिया बॉन है उसके दो होस्ट होते हैं एक तो होता है ह्यूमंस और एक दूसरा होता है मॉस्किटो तो डेफिनेटिव होस्ट जो है इसका ह्यूमन होगा और जो इंटरमीडिएट होस्ट है इसका वो होता है मॉस्टो सो so, ये जो है एडल्ट वाला ये रहता है ह्यूमन के लिम्फ ग्लैंड में नेक्स्ट है इंक ग्लैंड एज अ मीन टू एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स आर प्रेजेंट इन तो इंक ग्लैंड जो है यहाँ पे सीपिया में प्रेजेंट होते हैं ये जो है आ, सिफेलोपोडा ग्रुप को बिलोंग करता है और इस पर जो इस आ, में क्या होता है कि इंक जो है ये जैसे इसका जो है दुश्मन आता है ये एक जेड ब्लैक कलर की जो है इंक छोड़ देता है और वहाँ से जो है भाग जाता है सो so, ये इसको बचाने के काम आती है नेक्स्ट है एरिस्टोटल लालटेन जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो जो सी अर्चिन है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एरिस्टोटल की लालटेन जो है सो so, uh, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स डेंटल एपरेटर्स है जो किसी अर्चन में प्रेजेंट होता है और अगर हमको क्लास पूछ ली जाए तो इकनोइडिया क्लास जो है उसका ये फीचर होता है एरिस्टोटल की लाल लालटेन नेक्स्ट है गिवन बिलो आर एनिमल्स विच आर इंक्लूडेड इन ग्रुप एमनियोटा यानी इनमें से जो है एमनियोट्स हमको चुनने एक मैमल रेप्टाइल और बर्ड है तो इसमें से देखो ये जो है कैलोट्स uh, uh, ये क्या होता है ये एक तरह की लिजर्ड है कोलम्बा जो है पिजन होता है यानी जो कबूतर और ऑरिक्ट ग्लैकस औरक्टो लैगस जो है ये रैबिट होता है तो ये ये सारे जो है हो जाएंगे जिसमें एमनियोटा जो है वो पाए जाते हैं ये एमनटिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं नेक्स्ट ए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पहला है कि जो कोबरा है उसका जो जहर है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है ये बिल्कुल सही है यानी हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है इसका जो जहर है दूसरा है सी वैनम सी स्नैक का जो जहर है वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है ये भी सही है ये भी वन ऑफ द हाइएस्ट पॉइजनस स्नैक है इन द वर्ल्ड फिर है वैनमो फाइपर इज हीमोटॉक्सिक यानी ये जो है हमारे जो ब्लड सिस्टम है उसको अफेक्ट कर ब्लड को सो ये तीनों जो है बिल्कुल सही है कि कोबरा और सी स्नैक जो है उसका न्यूरोटॉक्सिक होता है और वाइपर का जो है वो हीमोटॉक्सिक होता है सी जो है आंसर हो जाएगा इसका नेक्स्ट है इन uh, स्कॉलोडियन जो प्लेकोड स्केल्स हैं वो फर्मली अटैच रहती है जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू है तो वो उससे अटैच किससे रहती है तो जो ये शार्पेज फाइबर है इनसे वो जो है जो उसकी अटैच रहता है ये प्लेकॉइट स्केल्स विद द एपिडोमिस <स्थाँगा> नेक्स्ट है एक्वेटिक सेलमेंडर कौन सा है इनमें से तो इसको हम आ, हेल हेलबैंडर भी कहते हैं और इसका जो नेम है वो है क्रिप्टोब्रैंकस ये टोटली जो है एक्वेटिक सेलैमेंडर होती है नेक्स्ट तो टीथ फिक्सड टू अल्फ लाइक इंडेंटेशन ऑन द इनर मार्जिन ऑफ द जो आर तो जो ये टीथ जो है ये होता है प्लूरोड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है केवम आसम एंड केवम पल्मोनोले पल्मोनोले आर प्रेजेंट इन तो ये रेप्टाइल्स के जो है हार्ट में प्रेजेंट होते हैं दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वुल्फियन डक्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज तो वुल्फियन डक्ट जो है उसे हम मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कह सकते हैं उसको हम लेडिक डक्ट भी कह सकते हैं आर्की नेफ्रिक डक्ट भी कह सकते हैं नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ एडर्नल मेड्यूला इज तो एडर्नल मेड्यूला जो है ये किसका पार्ट होता है पैरासिम्पैथैटिक सॉरी uh, ये सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और ये एक्टो एंड मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है एक्टो एंड मीजोडर्मल इनोविजन है ये नेक्स्ट इट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग सो कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जो है वो किससे होता है कि कपलिंग रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस का रिलीज होता है कॉज द बाइंडिंग साइट ऑन द थिन फिलामेंट टू बी अनकवर्ड सो ये जो टर्म है एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कंप्लिंग जो है ये दी थी एलेक्जेंडर सैंडो ने 1952 में और इसमें क्या होता है जो कैल्शियम आयन वो रिलीज होते हैं फ्रॉम एंडो सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो बाइंडिंग साइट है इंफ्लामेंट की उसको ये अनकवर कर देते हैं नेक्स्ट द ऑर्निथिन साइकिल रिमूव टू वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन लिवर दीज प्रोडक्ट्स आर सो अर्निथिन साइकिल का काम यही होता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करें हमारी बॉडी में से तो एक तो अमोनिया हो गया और दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट right को शिफ्ट हो जाता है तो ये कब होगा तो ये होगा जब पीएच डिक्रीज हो जाएगी तो पीएच कैसे डिक्रीज होगी देखो एच आई एन जो है उनका कंसेंट्रेशन जो है वो इनक्रीज़ हो जाएगा जिससे क्या होगी कि एसिडिटी जो है वो भी इनक्रीज़ हो जाएगा सो so, इससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के प्रति जो है आ, उतना वो नहीं रहेगा उसकी बाइंडिंग जो है कम हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए सो so, उसके मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट जो दे रखा है ऑक्सीजन का उस पर जो है वो लेस जो है ऑक्सीजन के साथ जोड़ेगा तो इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट right की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और इस इफेक्ट को हम कहते हैं बोर इफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें एक्सक्रीटिव सिस्टम की वर्टीब्रिड्स के तो इसमें से कौन सा जो डिवाइस है स्पेशल डिवाइस है जिससे कि वाटर कंजर्वेशन होता है इन मेमल्स तो इन सब में से देखो जो प्रॉक्सिमल कॉम्यूलिटेड ट्यूबल है यहाँ पे सेवेंटी टू एटी परसेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का जो है वापस अब हो जाता है यानी ये हेल्प करता है इन वाटर कंजर्वेशन इन मेमल्स नेक्स्ट है इन प्रो कैरियोर्स प्रोमोटर रीजन कंसिस्ट ऑफ होमोलोगी ऑफ टी ए टी ए बॉक्स इज कॉल्ड सो टी ए टी ए बॉक्स जो है इसे हम गोल्ड बर्ग एंड हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं ये एक सीक्वेंस होता है डी एन ए की जो कि मिलती है हमको इन द कोर ऑफ प्रोमोटर रीजन ऑफ जीन्स इन आर के एंड यू कैरियोर्स टी ए टी ए बॉक्स ओके सो इसका जो है होमोलोगस हमको मिलेगा प्रो कैरियोट्स में pre, uh, बॉक्स, ओके okay, सो so ये होमोलोग टी ए टी ए बॉक्स यू कैरियर के टी ए टी ए बॉक्स के नेक्स्ट हमको एंजाइम्स दे रखे और उनकी एक्टिविटी दे रखी है और हमें बताना है इसके लिए सही कौन सा है सो so, पहला है सिग्मा फैक्टर तो सिग्मा फैक्टर जो है वो करेक्ट इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए है ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रो फैक्टर जो है ये टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आता है ये एक प्रो कैरियोटिक प्रोटीन है एंड देन है डीएनए पॉलीमरेज ए ये क्या करता है कि जो ओकाजा की फ्रेगमेंट्स है उसमें आरएनए के जो है उसको रिमूव रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम न्यूली फॉर न्यूली सिंथेसाइज डीएनए एन देन है अमीनो एसिड एसाइल सिंथेटीज तो ये क्या करता है कि ये जो है अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड टू टी आर एन ए और इसको हम टी आर एन ए लाइगेज भी कहते हैं so, सो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा

नेक्स्ट है विश वन विश ऑफ़ द फॉलोइंग एंजाइम रिमूव सुपर कॉइलिंग इन रेप्लीकेटिंग डी एन एड ऑफ रेप्लीकेशन फॉक्स तो ये है टोपो आइसोमरीज एंजाइम नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वोल्यूशन एपीबोलियन इमेजिनेशन तो ये जो है कौन जो फ्रॉक का गेस्ट्रोलेशन है उसमें कौन कौन सी ये होती है देखो जो गैसट्रोलेशन है वो अर्ली फेज़ होती है एम्ब्रॉयिक डेवलपमेंट की ठीक है मोस्ट एनिमल्स में सो so, इसमें होती है एपीबॉली होती है एंड इमेजिनेशन होती है और उसके अलावा एमबॉली uh, होती है तो इसमें हो जाएगा टू एंड थर्ड नेक्स्ट है द फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शन लाइटी ऑफ प्रिमेटिव स्टीक इज अंडर कंट्रोल ऑफ तो ये जो है फॉर्मेशन uh, और उसकी डायरेक्शन जो है प्रिमेटिव स्टीक की यह हाइपोब्लास्ट के कंट्रोल में होती है नेक्स्ट है इन मेमेलियन डेवलपमेंट द एम्ब्रियो विल फॉर्म फ्रॉम विच पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स तो एम्ब्रियो जो है वो इनर सेल मास से बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट क्लीवेज फॉलोज गेस्ट्रोलेशन योर कंटेंट ऑफ एग हैज नो रोल इन क्लीवेज नहीं क्लीवेज इज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन ऑफ जाइगोट ये बिल्कुल सही है ये क्लीवेज जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन होता है जाइगोट का और इसमें जो है डिवीजन हो, हो के ये जो है पूरा एक जो है एम्ब्रियो बना देता है नेक्स्ट है हमारा सिल्क फाइबर जो है कोकून में किस तरह से जो है एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो ये जो सेरिसिन है इसकी मदद मतलब से जो है ये जुड़े हुए रहते हैं नेक्स्ट है माउथ पार्ट ऑफ बॉम्बिक्स स्लारवा इज़ तो बॉम्बिक्स स्लारवा का जो माउथ पार्ट है वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के होते हैं और जबकि इसके एडल्ट में जो है ये साइफनिंग टाइप के होते हैं नेक्स्ट है हनी इज नेक्टर एंड ऑप्टेन फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर्ड इन नेक्स्ट माउथ पार्ट ऑफ हनी बी यूज टू माउल्ड एंड अडर पॉलिन इज तो ये होता है लेब्रम जो कि माउल्ड करता है वैक्स को और पॉलिन ग्रेन्स जो है इसे अडर हो जाते पक जाते हैं ज तो ब्लास्टोमेज है वो माइक्रो ट्रिब्यूल्स की मदद से होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिग्नल ट्रांसडक्शन मकैनिज्म नोन एज प्रोटीन फॉस्फराइलेन तो इसमें क्या होता है कि ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये बाइंड करते हैं टू द सर्फेस ऑफ रिसेप्टर फिर जो रिसेप्टर काइनेज है वो एक की रोल प्ले करता है इन टिगरिंग द सिग्नल कैस्केड एंड फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स एक्ट विद इंजाइम टू टिगर द सिग्नल कैस्केड इसका सारा हो जाएगा ये ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट चूज द स्टेटमेंट दैट अप्लाई टू इंटर सेलुलर जंक्शन तो इसमें क्या होता है जो इंटर सेलुलर जंक्शन में जो मेजर एडहेसिव जंक्शन जो है एनिमल सेल के उनको एडहर जंक्शन कहते हैं डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स जो है वो कहा जाता है नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन इज सो ये है टाउ प्रोटीन है ये एक माइक्रो ट्यूब्यूल से रिलेटेड प्रोटीन है

सिक मसल सेल इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू लीवर द लैक्टोज इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड देन रिलीज इन टू ब्लड सो ये जो है होती है कॉरीसाइकिल कि लैक्टोज जो है वो प्रोड्यूस हुआ है कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज में और फिर उसको ब्लड में रिलीज कर दिया तो ये कॉरीसाइकिल में होता है नेक्स्ट एनजाइम यूज इन बोथ ग्लाइकोलिस एंड ग्लाइकोजीनो जिनेसिस ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस दोनों में जो है हेक्सोकाइनीज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है नेक्स्ट है अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस इस तो इसका जो है वो है मैलोनेट ये इनहिबिटिव इनहिबिटर है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेस का हमें यहाँ पे एनिमल नेम दे रखे और सेंचुरीज़ दे रखे हैं और इनको मैच करना है तो देखो वाइल्ड एस जो है वो रन ऑफ कच्छ में यानी गुजरात में पाया जाता है जो जंगली गधा है अंगुल जो है ये दाची में मिलता है कश्मीर में नेक्स्ट है लॉय टेल मकाओ ये जो है नीलगिरी अन्ना मलाई एंड कार्डम हिल्स जो है uh, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि हमारा स्टेट बर्ड uh, भी है राजस्थान में मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनसेशन लेवल इन एक्वेटिक सिस्टम इज द वन वेर ऑक्सीजन तो कम्पन्सेशन लेवल वो होता है जहाँ पे Uh, जो फोटोसिंथेसिस से जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो बैलेंस करती है उस ऑक्सीजन को जो रेस्पायरेशन में यूज़ हो रही हो यानी वेयर ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज बैलेंसेस द लॉस बाय रेस्पायरेशन आंसर जो है इसका डी हो जाएगा नेक्स्ट है वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जोनल जोनेशन इन लेंटिक इन्वायरमेंट तो पहले हो जाएगा सब लिटोरल देन लिटोरल जोन देन प्रोफंडल जोन एक से डेजर्ट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट एक्सट्रीम ऑफ ऑल टेरिस्टल इन्वायरमेंट यानी डेजर्ट्स में बहुत जो है एक्सट्रीम एन्वायरमेंट होता है तो यहाँ पे जो स्पेशल अडाप्टशन जो है वो आ, क्या करने पड़ेंगे किसी को भी सर्वाइव करने के लिए तो देखो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टन करने पड़ेंगे फिजियोलॉजिकली भी अडाप्टशन करेंगे और इथोलॉजिकली यानी बिहेवियरल अडाप्टशन भी जो है उनको करने पड़ेंगे तो सारे के सारे अडाप्टेशन जो है वो जरूरी होंगे क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में आपको सर्वाइव करना है तो भी जो है इसी तरह करने पड़ेंगे नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम इंटरफेरोंस जो है वो किसका पार्ट है तो इंटरफेरोंस जो है वो साइटोकाइनिन बैरियर का पार्ट है इंटरफेरोंस जो है वो प्रोटीन होते हैं नेचर में और ये जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनसे ये रिलीज होते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू द अटैक नेक्स्ट so, है एन एग्जाम्पल ऑफ इननेट इम्यूनिटी तो इननेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है पी एम एन एल न्यूट्रोफिल्स ये क्या होता है कि uh, ये है पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं ये ये ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं जो कि uh, जो साइडोप्लाज्म है उनमें ग्रैन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और ये इेट इम्यूनिटी का एक एग्ज़ाम्पल है नेक्स्ट है क्रॉस रिएक्टिविटी इन इम्यून रिस्पॉन्स इज सो क्रॉस रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है uh, जब दो uh, और मोर एपिटोम्स आर सिमिलर इन एंटीजेंस हो या फिर दो और मोर एंटीबॉडीज जो है एपिटोप एर व्हेन टू और मोर एंटीजन्स शेयर सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स तब जो है क्रॉस इम्यूनिटी हो जाती है एलर्जिक रिएक्शंस में जो है ये शो होती है

तो देखो क्लोनिंग वैक्टर जो है वो प्लाजमेट्स हैं और एक्सप्रेशन वैक्टर जो है, वो स्पेशलाइज टाइप के क्लोनिंग वैक्टर्स होते हैं तो क्लोनिंग वैक्टर्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन पाया जाता है यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है कंट्रोल एलिमेंट्स होते हैं बट जो एक्सप्रेशन वैक्टर्स हैं उनमें सूटेबल मार्कर जीन्स होते हैं इसलिए ये इनसे डिफरेंट होते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपना ख्याल रखिए ऑल द बेस्ट थैंक यू